अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की जो ये छोटी सी वीडियो है वो एक आइडिया देने के लिए, बेसिकली आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए है। और ये वीडियो है भी अर्निंग के हवाले से, ठीक है ना। हमारी ऑनलाइन अर्निंग है या ऑफलाइन अर्निंग है या पैसिव अर्निंग है या एक्टिव अर्निंग है। अर्निंग के जितने सारे मेथड्स होंगे, होते हैं या हो सकते हैं, मैं उसकी थोड़ी सी बेस आपको बताना चाहूंगा। बेसिकली आपको हमें पता भी होती है बेस, लेकिन हम उस बेस को छोड़ के बहुत सारे ऐसे जगह पे करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लेकिन वो अर्निंग हो नहीं सकती। अगर आप थोड़ा सा भी गौर करें या मैं थोड़ा सा भी गौर करूँ इस चीज को, देखूं कि अर्निंग कोई भी शख्स या कोई भी कंपनी या कोई भी फैक्ट्री या कोई भी पर्सन, अगर वो अर्निंग कर रहा है तो किस बेस पे कर रहा है। मैं यहाँ पे किसी कंपनीज को ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आप इंडिविजुअली बेस पे इस सिनेरियो को लेकर चलूंगा। कोई भी शख्स अर्निंग कर रहा है तो उसके एंड में, उसके बैक एंड पे, उसके जो पीछे वर्क है वो क्या है, मेन वर्क क्या है, मेन रीजन क्या है। और वो मेन रीजन या मेन वर्क जो है वो वही है जो ऑलमोस्ट तमाम लोगों के बैक एंड पे है। तो इसमें थोड़ी सी मैं आपको अगर बताना चाहूंगा और हम इस चीज को समझना चाहें कि कोई भी शख्स अगर अर्निंग कर रहा है तो उसके पीछे उसकी एक स्किल है, ठीक है ना। कोई भी अगर आप थोड़ा सा आइडिया लें, एक स्किल प्लस आइडिया, ये दो चीजें हैं। जब ये दो चीजें मैच करती हैं, आप कहीं पर भी पूरी इन दो चीजों पर, स्किल प्लस आइडिया या सिर्फ स्किल, इन चीजों पर अगर आप मैच कर लें और आप पूरी दुनिया में अगर देखें तो आज तक और आज से पहले बहुत हमेशा से लेके हमेशा तक जो है जो भी अर्निंग का एक सोर्स रहा है वो इन दोनों पिलर्स पे रहा है। या तो किसी ने आइडिया दिया, आइडिया को सेल किया गया, या उसने खुद आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, या फिर उसने कोई स्किल सीखी और उस स्किल को जो है वर्कआउट कर लिया। आप सिंपली यहाँ पे अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने यही बताया कि हमारे पास जो है ना एक फिजिकल, मैंने जो बताई थी, फिजिकल प्रोडक्ट है हमारे पास और एक जो हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट है, तो दोनों चीजें हमारे पास होती हैं। तो हम थोड़ा सा ये देखें, अगर मैं अर्निंग करना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छी अर्निंग, एक स्मार्ट इनकम जनरेट करूँ, तो उसके लिए मुझे दो चीजों पे आना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है, मेरे पास एक आइडिया है। सेकंड क्या है, मेरे पास जो है ना वो स्किल्स है। अच्छा, इन दोनों चीज को मैं थोड़ा सा अगर पैरेलल लेके चलूँ तो जो आइडिया है उसके अंदर ज्यादा जान है एज कम्पेयर टू स्किल के। वो किस तरह, वो मैं भी अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आप तभी प्रॉपर को समझ पाएंगे पूरा। अगर आप पूरा समझ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, आपकी चीज समझ में आ जाएगी कि मुझे काम कहाँ से शुरू करना है, कब तक करना है, कैसे करना है और किस तरह से करना है। तो इन सब क्वेश्चंस का अगर आप आंसर लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह से बात की, दो चीजें हमारे पास आती है, एक आती है आइडिया और एक आती है हमारे स्किल। तो आइडिया को ले लेते हैं। देखिए, दुनिया में जितनी भी बड़ी चीजें हैं या जितनी भी बड़ी चीजें चलती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, क्या एक आइडिया था पहले? वो आइडिया किसी को नहीं पता था, किसी कंपनी के पास नहीं, सिर्फ वो सिर्फ एक शख्स के, एक पर्सन के माइंड में था। उसे ऐसा लगा कि जो मशीन्स होती हैं इनसे कम्युनिकेट करने के लिए, इजी करने के लिए हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए और उस ऐसा बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। उसने इस आइडिया को जनरेट किया, उसका आइडिया आया और उस आइडिया को उसने इम्प्लीमेंट किया और 15 साल लगे। आपको पता होगा विंडोज जो है ना 2, 3, 4, 7 दिनों में या सालों में नहीं बन गई थी। बिल गेट्स को 15 साल लगे इस विंडोज को बनाने में। वो एक रूम के अंदर विंडोज बनाया, अगर जिस बनाया तो 15 साल बाद जब उस कमरे से, उस जगह से बाहर निकला, तब पत्थर दुनिया को उसने 15 साल में एक ऐसी इन्वेंशन कर दी है, एक ऐसी चीज इन्वेंट हो गई है जिसने दुनिया का जो है ना पूरा ही मॉड्यूल चेंज कर दिया। तो पहली चीज क्या है, आपके पास आइडिया होनी चाहिए। आइडिया जितना आपको परफेक्ट होगा, जितना बेस्ट होगा, वो आइडिया इतना ही जबरदस्त चलता चला जाएगा। अगर हम थोड़ा सा लोकली देख लें, लोकली हम थोड़ा सा आपको देख लें, स्मार्ट फूड हमारे पास, स्मार्टफोन्स हैं हमारे पास, फूड्स हैं हमारे पास, जितनी भी चीजें आती हैं, तो हम आइडिया होता है। आप थोड़ा सा अगर देखें खाने की तरफ, तो आपको फूड लाइन के अंदर कुछ ऐसे फूड वाले ऐसे आइडियाज आपको नजर आएंगे। बेसिकली फ्रेंच फ्राइज को ही ले लें सिंपली। तो यहाँ पे आपको अपने शहर के अंदर फ्रेंच फ्राइज या इस तरह के फूड्स में कुछ ऐसी नई चीजें नजर आएंगी जो उन्होंने कुछ हटकर किया होगा, कुछ नया चीज आइडिया किया होगा। इसके अंदर मैं एक चीज, छोटी सी एक मार्केटिंग टिप ये भी देता हूँ कि जब भी किसी भी कहीं भी काम कर रहे हो, कोई भी आपके पास बिजनेस हो, चाहे वो एक छोटा, चाहे आप एक कोई अगर एक मोची का काम ही क्यों ना कर रहे हो, उसे क्या करना चाहिए। मैंने एक इंडिया के अंदर मैं वीडियो देख रहा था, तो वहां पे मुझे एक बड़ी चीज जबरदस्त लगी। वो शख्स, वो एक मोची था और वो पूरी इंडिया में छा गया। उसकी वजह ये थी, वो कुछ इतना बड़ा मोची नहीं था, लेकिन उसने जो अपने पास बोर्ड लगाया हुआ था, उस बोर्ड के ऊपर जो सबसे पहले हेडिंग थी, वो हेडिंग ये थी कि जख्मी जूतों का अस्पताल, ठीक है ना।
ये काफी कॉमेडी से लगती थी देखने वालों को। और नीचे लिखा था कि ओपीडी टाइम इतने बजे होगा, और जो एक्सीडेंट से एक्सीडेंट वालों का टाइम ये है इमरजेंसी नाफिज है 24 घंटे। और पूरा जो एक मेडिकल के अंदर, एक हॉस्पिटल के अंदर, एक क्लिनिक के अंदर जो पूरा एक चार्ट होता है वो उसने लगाया हुआ था। और जो भी लोग उनके पास आते थे उन्हें मोची या कुछ और कहके नहीं बुलाते थे, बल्कि डॉक्टर कहते थे। और बकायदा उसे अपना गेटअप, अपना एक कोट रखा हुआ था, और बकायदा वो उस कोट में पहनता था, और पहन के वो जो है ना जस्ट वो जूते सिया करता था, जूते बनाया करता था। तो वो एक जूतों का डॉक्टर हो गया। अब लोग उसको एक नए आइडिया से आने जा रहे डॉक्टर डॉक्टर के नाम से कहने लगे। तो ये छोटी सी टिप उसके लिए इतनी जबरदस्त हुई कि पूरी इंडिया के अंदर हुआ, और उसने तकरीबन आसपास का सारा ट्रैफिक अपने पास कॉल कर लिया। सेम इसी तरह से एक और चीज है हमारे पास आती है कि आपने देखा होगा कि अगर किसी के पास एक गोल्ड की या ज्वेलर की शॉप है, या कोई वेजिटेबल सेलर है, सब्जियां सेल करता है, तो या कोई कोई और स्टोर जनरल स्टोर है, या उसके पास जो है ना आपसे ये समझ लें कि टॉय शॉप है, कुछ भी इस तरह की चीजें जो है अलग अलग हो सकती हैं। तो हर एक का बिजनेस अलग अलग है, तो उसे क्या करना चाहिए, जो उसका बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है, जो उसके पास सबसे अच्छी प्रोडक्ट है, या कोई एक प्रोडक्ट, वो उस एक प्रोडक्ट का इतना बड़ा एक सैंपल बनाए और उस सैंपल को या तो बाहर लटका दे या अपने बाहर जो शॉप के बाहर रख दे, ताकि वो हर गुजरते और लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आए। तो सिंपल ये एग्जाम्पल ये हो सकती है कि अगर किसी के पास, अगर एक मोची वाला ही है, वो एक बहुत बड़ा जूता बनाता है सिंपल मोजी का, और उसको एक स्टाइल तरीके से अपनी शॉप के आगे रख देता है, तो हर आने जाने वाले पे उसमें नजर पड़ेगी और दूर से खड़े हुए नजर पड़ेगी और लोग उसी के पास ज्यादा आएंगे। वो एक तरह से एक पूरी मार्केट के अंदर एक 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 कदम आगे होगा, एक कदम मतलब ज्यादा बेहतर काम कर रहा होगा। तो प्रेजेंटेशन का जो लुक होता है आपकी प्रोडक्ट है, आपकी स्किल्स का, यहाँ मैं बात कर रहा था, मैं वापस आता हूँ अपने आइडिया पे, अपने स्किल्स पे, कि हमें अर्निंग के लिए आगे बढ़ने के लिए दो चीज जरूरत होती है, एक स्किल होती है, एक आइडिया होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है लोग नए नए आइडियाज लेके आते हैं, कि फेसबुक एक आइडिया थी। आप आज की जितनी बड़ी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं या जिन जिन्हें आप समझते हैं वो बड़े सक्सेस है, तो यकीनन वो एक नए आइडिया के साथ है। कभी भी कोई भी शख्स जो है ना पुराने आइडिया को लेके जो है ना वो कामयाब नहीं है। उसके मिसाल में एग्जाम्पल ये हूँ कि आज के जो नया आइडिया है वो होंडा सिविक 2019 है, 2018 है, और आज अगर कोई शख्स कहे नहीं मैं होंडा सिविक के मुकाबले में जो है घोड़ा लेके आता हूँ, तो शायद ये काम नहीं करेगा। आज जो लेटेस्ट जो वेपन्स हैं वो आपके पास, लेटेस्ट गन्स हैं, लेकिन कोई शख्स ये कहे कि नहीं मैं इन गन के सामने मैं वो पुरानी तलवारें और पुराने खंजर नाइफ वगैरह लेके आऊँ, तो शायद वो उस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगी उसकी। तो सिंपली इसी तरह से है कि अगर आप कोई नई चीज लेके आना चाहते, आप पर यूनिक चीज, आइडिया जितना यूनिक होगा आपका आइडिया उतना ज्यादा जो है ना वो टॉप पे जाएगा। आइडिया ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ, उसकी ये बात की बात है, ये इसके बाद का स्टेप है कि आइडिया को फिर आप जब इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, चीजों को नहीं रखना है, वो एक अलग वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। अगर आपके पास एक छोटा सा आइडिया है, कोई भी आइडिया है, तो आप उस आइडिया जितना ज्यादा यूनिक होगा, जितना ज्यादा सबसे हटके होगा, उसकी जो है ना मार्केट के अंदर उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। आपने मार्केट थोड़ा सर्च करना है, अगर आपके पास आइडिया है उस आइडिया को लेके जाए किसी भी हवाले से, बिजनेस के हवाले से एक आइडिया। बेसिकली मैंने ये देना चाह रहा हूँ, अगर आप डिजिटल मार्केट से, मैं आपको दो आइडिया दूंगा, इन दो आइडिया को एक तो डिजिटल मार्केट से मुतालिक होगा और एक जो फिजिकल मार्केट से मुतालिक होगा। तो मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिजिटल मार्केट से आइडिया देना चाहूंगा। देखें थोड़ा सा एक आइडिया ये है अभी मेरे माइंड में आया, तो मैं आपको आइडिया बता सकता हूँ, आप इसको मजीद पॉलिश कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचें इस पे, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करें और थोड़ा सा प्रॉपर लिखें। देखिए आजकल जो है ना हर एक शख्स को, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो सेलिंग के लिए, परचेजिंग के लिए या अर्निंग के लिए घर से जो बाहर निकलता हो, उसको डॉक्यूमेंट की जरूरत है अपने, उसको सीवी वगैरह की जरूरत है। अगर हम थोड़ा सा मार्केट रेशियो को देखें तो यहाँ पर जो है जॉब करने वाले बहुत ज्यादा हैं और जॉब लेने वाले देने वाले जो बहुत कम है, गिनतियों में गिने जा सकते हैं जो अच्छी जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मेथड क्या है कि जो आइडिया सेलर हैं वो आइडिया कैसे कर सकते हैं, आपने आइडिया ये करना है कि अब देखिए जो शख्स बाहर निकलता है उसको डॉक्यूमेंट की जरूरत है, सीवी की हर एक को जरूरत है, उसके पास जो भी उसके प्रीवियस वर्क है उसमें जो भी उसने काम करना है उसकी उसमें जरूरत है। तो आपने ये करना है बेसिकली एक छोटी सी वेबसाइट बना लेनी है, एक पेज बना लेना है, उस पेज के अंदर आप लोकली ये चीज बता सकते हैं कि ये चीज आप बता सकते हैं कि आप जो है ना सीवी डिजाइन करते हैं, आप जो है ना कार्ड्स बना के देते हैं, आप जो है
ब्रोचर्स बना के देते हैं। बेसिकली अगर एक वन प्रोडक्ट को ये सिंगल प्रोडक्ट का टारगेट कर लें कि आप सीवीज बना के देते हैं और आप अपने पास प्रीमियम जो है ना अपने पास ये तो टेम्पलेट परचेज कर लें। ये इंशाल्लाह मैं कमिंग वीडियोस का कंप्लीट कोर्स दूंगा कि हमें किस तरह से वर्क करना है, हम उन लोगों को कैसे बीट कर सकते हैं या उन लोगों की लाइन में किस तरह पहुंच सकते हैं जो हमसे 5 साल 10 साल 15 साल पहले से काम कर रहे हैं। तो ये एक यूनिक सा आइडिया मैं आपको उस वक्त भी दूंगा जब प्रॉपर इसका जो मेथड होगा। अभी तो क्विक सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसका यही है कि आप एग्जांपल ये है कि आपने कहा कि मैं सीवी डिजाइन करता हूँ, आपने एक छोटी सी वेबसाइट बना लेनी है। वेबसाइट बनाने नहीं आती तो इंशाल्लाह कमिंग मेरी वीडियोज आ रही है, नहीं तो आप यूट्यूब की और वीडियोज वगैरह देख के फेसबुक की वीडियोज वगैरह देख के आप ये सीख सकते हैं या किसी से बनवा भी सकते हैं। छोटा सा आपने वेबसाइट बनवानी है, इसके अंदर आपने ये बताना है कि आपने जो है वो बात करनी है, आपने ये बात करनी है कि आप सीवी, आप सिर्फ सीवी एग्जांपल सिर्फ सीवी डिजाइन करके देते हैं और 1 पेजर सीवी 2 पेजर 3 पेजर 5 पेजर सीवी है और सीवी का ये डिजाइन होगा, उसके अंदर ये डिजाइन है, उसके उसके फॉर्मेट ये है, पीडीएफ फॉर्मेट है, जेपीईजी फॉर्मेट है, आपके प्रिंटेबल फॉर्मेट है, आप प्रिंट भी करके हार्डवेयर भी हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी दे सकते हैं, डिफरेंट चीजें दे सकते हैं। हर शख्स को अच्छी सीवी का होना बहुत जरूरी है, उसके लिए एक अच्छी सीवी का मेंटेन होना बहुत जरूरी है और एक अच्छी जॉब हासिल करने के लिए उस शख्स के पास एक अच्छी सीवी होना बहुत जरूरी है, उस शख्स को भी आइडिया है। तो ये चीज आप पिक कर सकते हैं और एक चीज को आप मार्केट में लॉन्च करके एक नई चीज से ले सकते हैं। फिजिकल के अंदर यह आ सकता है कि अगर आपको एक आइडिया दूं, सबसे पहले आइडिया अगर आप बेसिक लेना चाह रहे हैं, ज्यादा कम से कम बजट के अंदर हम लेना चाहें उस आइडिया को, तो उस आइडिया का यही है कि आप जो है आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर आप एक निच लेके एक टॉपिक लेके आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि आपके थ्रू किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो फिजिकल, तो आपको उसमें कुछ परसेंट मिलता है। तो ये बेस्ट हो सकता है, आपने कोई चीज भी, आप दराज भी, मैं दराज का ही नाम लूंगा, अपने दराज.pk और आप जाते हैं तो वहां पे जो है एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत सारे जो उन्होंने ऐसे मेथड्स दिए हुए हैं आपको बड़े आसानी से। आप व्हाट्सएप के थ्रू से व्हाट्सएप ग्रुप में अपना वहां आप लिंक बनाते हैं कोई भी प्रोडक्ट का, आप समझ सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग हो सकती है दराज पे, कोई आपको यूनिक प्रोडक्ट दराज पे लगती है, कोई आपको अच्छी लगती है, आपको ये लगता है कि ये प्रोडक्ट 70-80% लोगों को चाहिए होगी, चाहे वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट ही हो, दराज के फिजिकल प्रोडक्ट्स ही हैं, कोई एक एक यूनिक सा जो है ना किचन का कोई एक चीज हो सकती है, कुछ कोई बेडशीट हो सकती है या कुछ इस तरह का नया टॉय हो सकता है, नया कोई गैजेट हो सकता है, आपको लगता है कि यह शायद ये एक हर शख्स को ही चाहिए होगा, यह 70% लोगों को चाहिए होगा, तो आप वहां से उस उसके जो प्रोडक्ट का लिंक है वो अपने एफिलिएट अकाउंट से दराज के वो आप शेयर कर सकते हैं, आप वीडियोज बना सकते हैं, आप फेसबुक पेजेस में दे सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते हैं, आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा दे सकते हैं, फेसबुक पेजेस में दे सकते हैं, अपने कॉन्टेक्ट्स में दे सकते हैं। आप जैसे वो लोग स्पेंड होते चले जाएंगे, वो लोग और परचेज करेंगे, अगर आपके डेली के 5 ऑर्डर भी आ जाते हैं, मतलब 5 ऑर्डर से ऐसी बात है वो आगे से आगे शेयरिंग होती चली जाएगी, तो अगर ऑर्डर आते हैं तो अच्छा खासा आप जो है ना अर्निंग कर सकते हैं इसके अंदर। तो आपको आई थिंक मेरे ख्याल से यकीनी तौर पर आपका कोई 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। आपने क्या करना है, जस्ट वो एक चीज का जो आप तक पहुंची आपने आगे तक पहुंचानी है लिंक्स के थ्रू, कॉन्टैक्ट, आपकी पीआर जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी आप उतना ज्यादा वर्कआउट कर पाएंगे। तो ये एक फिजिकल आइडिया था आपके पास मेरा इसके अंदर इंप्लीमेंट करने का, जो कि मैंने बताया कि आपके बगैर एनी रिसोर्सेज के, बगैर एनी कैपिटल के आप इसे यूज कर सकते हैं, आपके पास जो सेलफोन है जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं आप उसे लेके फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा आइडिया था वो क्या था, एक आइडिया बेस एक स्किल्स बेस। देखें स्किल्स बेस कर क्या होता है, एक स्किल में आपको थोड़ा सा और इसको आइडिया कर दूंगा, इस पर वीडियो क्लोज करूंगा एक फाइनल बात करके। एक वेब डेवलपर है, वेब डिजाइनर है, पीएचपी डेवलपर है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है ना। वो डेवलपर को स्किल्स आती है, ठीक है ना, उसको डेवलप करने में, वो इसे डेवलप करता है और उसे एक सैलरी मिलती है, ठीक है ना। एक शख्स आता है, वो क्या सोचता है, वो एक आइडिया लेके आता है, आइडिया लेके आता है। आइडिया उसके पास क्या होता है कि अगर मैं 4 लोगों को मिला लूं यहां से जो डेवलपर है, ठीक है, और मैं इनकी जो प्रोडक्ट्स ये डेवलप करेंगे या जो मैं इनसे बनवाना चाह रहा हूँ वो मैं इनसे बनवाऊं और वो लेके मैं किसी और के पास जाऊं जो उसको जिसको ये चाहिए हो, जो ये परचेज करना चाहे, तो वो सेम ये क्या करता है, वो यहां से बनवाता है और वो चीज वहां पे लेके, और वो लेने के बाद जो है वो सिंपल जो है ना आगे सेल कर देता है। पहले उसके पास आइडिया आता है, ये चीज आइडिया के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं, जाहिर सी बात जब आपके पास आइडिया आता है तो आइडिया के साथ साथ आपके पास हर क्यों का जवाब भी होता है, और अगर नहीं हो पाता तो आप उसे बनाने की कोशिश करते हैं उस क्यों के जवाब को। अगर ये मसला मुझे ये आ रहा है, इसका सलूशन मैंने किस तरह से लेना है, सिंपल इसी तरह से आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं जो स्टीव जॉब्स है, उनके पास पहले आइडिया था,
उनको कोई इतनी हार्ड कोडिंग, वो इतने पैशनेट नहीं थे कोडिंग करने में। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के जो फाउंडर हैं, उनको पहले एक आइडिया था, फिर उन्होंने उस आइडिया पे जो है डेवलपर ज्यादा हायर किए, उनसे बनवाया, और जब उनके पहला मोबाइल आता है बन के, तो मोबाइल को उठाते हैं अपने आईफोन को और पानी में, पानी के गिलास के अंदर पानी की जग में डाल देते, तो मोबाइल से जो ना पानी के बुलबुले उठते हैं वो वापस कर देते हैं। उनसे कहते हैं कि इस मोबाइल के अंदर अभी बहुत स्पेस है, पानी अंदर क्यों जा रहा है, अब इसको हम इसको मजे स्मार्ट बना सकते हैं। खैर ये छोटी सी उनकी बात है। तो इस तरह से अगर आपके पास आइडिया आता है, तो आइडिया के बाद आप बेस्ट तौर पर काम कर सकते हैं, आप इस तरह सिंपली वर्क कर सकते हैं। इसी तरह आइडिया को लेकर चलें, स्किल्स को लेकर चलें, आप दोनों को पॉलिश कर सकते हैं, आप ये चीजें सीख भी सकते हैं, ये चीजें मुश्किल नहीं है। आप अपने पहले पैशन को फाइंड आउट करो, आप क्या सीखना चाहते हैं, आपको कौन सी फील्ड अच्छी लगती है, आपको किस फील्ड में जाना ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप वो चीज जाएं वहां फाइंड आउट करें आप क्या कर सकते हैं, उसको आप सोल्यूशन को लें, और ऐसा आप सर्चिंग करने लग शुरू जाएं, तो विद इन मंथ्स या कुछ टाइम के बाद जो है ना आप आसानी के साथ जो है वो सीख पाएंगे और अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो से आने के लिए लाता रहूंगा। और आपको चैनल वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आप मजीद किस तरह से अपने आपको पॉलिश कर सकते हैं और आगे जाके आप मजीद किस तरह सक्सेस हो सकते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।